तो भाई लोग स्वागत है आप सभी का मेरे और एक वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को, KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को। वो पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं था लेकिन मिड क्रेडिट सीन था। तो ये वाली चीज़ है ना पोस्ट क्रेडिट वाली, ये पता नहीं प्रशांत नील सर के मन में कहाँ से आई, लेकिन जो हाइप है ना KGF की उसको लेकर उनके शायद मन में चीज़ आई होगी कि हाँ कहानी यहाँ तक नहीं रह सकती, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी कारण अगर आपने मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉइलर होने वाले, तो पहले ही बता देता हूँ कि आपको स्पॉइलर नहीं देखना, तो वीडियो स्किप करो, सीधा सीधा यहाँ से निकल जाओ पहली फुर्सत में, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्पॉइलर होने वाले है। और तो और थंबनेल में भी थे लेकिन ठीक है, वो सब चलता है, तो यहाँ से आप लोग स्किप कर सकते हो अगर आपको आगे नहीं देखना। तो सबसे पहले इसके पोस्ट क्रेडिट यानी मिड क्रेडिट सीन के ऊपर आने से पहले सबसे पहले इसकी थोड़ी बहुत समरी दे देता हूँ कि क्या हुआ था KGF चैप्टर 2 में। अगर आपने मूवी देखी है तो आप सभी को थोड़ा बहुत पता ही होगा ही, फिर भी थोड़ा बहुत पता देता हूँ कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है रॉकी भाई से, कि रॉकी भाई एकदम पावरफुल बन चुका है, KGF पे पूरा उसका ही राज चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारे चूते आ चुके और वो कह रहे कि नहीं हम ऐसे कैसे होने देंगे, हम तुम्हारा राज ख्वाब जो कुछ भी है यहाँ से मिटा देंगे। कौन है भाई सू, कौन है, कहाँ से आए तू, कहाँ से आते लोग, ऐसा वो लोग कह रहे पीछे से, और वो सब लोग प्लान बना रहे कि हाँ इसे तो आप हटाना है कुछ भी करके। लेकिन फिर भी आपने रॉकी भाई से डटे हुए अपने आइटम फ्रीडम को वहाँ से लेके आते, और फिर से वहाँ से कहानी शुरू होती है, सब लोग विलन सामने आके निकल के आते, जैसे आदिरा है, इनायत खलील है, बाद में अपने रमिका सेन सेकंड हाफ में, तो ये सब एकदम से सामने निकल के आते हैं। फिर भी रॉकी भाई अपने डट के खड़े हो जाते हैं कि हाँ आ जाओ देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो ये सब ऐसे चलता रहता है, अपने आदिरा आता है वो भी मर जाता है, और बाद में इसके आइटम भी मर जाती है, पहली मर जाती है बाद में आदिरा मर जाता है। लेकिन ये सब कांड हो चुके हैं फिल्म में KGF चैप्टर 2 में, लेकिन एंडिंग में जाते हाँ रॉकी भाई कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करे, लेकिन जो उसका इस मूवी में कैरेक्टर दिखाया गया है ना वो पहले मूवी से बहुत ज़्यादा डार्क है, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं अपने प्रॉमिस के लिए काम कर रहा है, इसी कारण वो इतना ज़्यादा पागल बन चुका है कि हद पार कर दिए उसने। एक पॉइंट ऐसा था कि उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि वो कुछ भी पता होने के बावजूद कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी चीज़ें कर रहा है बंदा, लेकिन उसके साथ ही उसके प्रॉमिस के लिए दूसरों को भी परेशान कर रहा है। ये चीज़ मूवी में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली दिखी, लेकिन इसी चीज़ को लेकर उन्होंने एंडिंग में ऐसे कांड कर दिए जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर आप एकदम बुरा काम कर रहे हो तो अच्छी चीज़ आपके साथ नहीं होने वाली। कितना भी आप उसके साथ अच्छा काम कर लो लेकिन आप कर ही रहे हो बुरा काम। तो इसी कारण एंडिंग में अपने रॉकी भाई ऐसे गिरते हुए मिलते हैं पानी में, हाँ पानी में। तो इसी कारण इस जगह पे मूवी का एंड होने वाला था, क्योंकि रमिका सेन ने कांड कर चुका था तो रॉकी भाई तो सुनने वाला नहीं था, ऐसा डट के खड़ा हुआ था, इसी कारण कांड हो चुका है। तो कांड होने के बाद अब इसके बाद एक वाली चीज़ आती है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने एक्सपेक्ट की थी सलार का टीज़र लेकिन नहीं मिला, तो इसलिए मैं बैठा था देखने के लिए आगे क्या होता है। लेकिन जब भी एंडिंग वाला गाना होता है तो गाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, एनर्जेटिक था, तो वो गाना आने के बाद मिड क्रेडिट आता है जिसमें हमें पता चलता है कि रॉकी भाई तो मरा हुआ है, लेकिन उस जगह पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिस जगह पर वो बोट डूबी थी ना उस जगह पर कुछ भी नहीं मिला, सोना नहीं कुछ भी नहीं। अब इससे एक ही चीज़ सामने निकल के आती है कि रॉकी भाई सबको काट रहा है, मतलब सबका काट रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि अगर आप एक फेमस कैरेक्टर बना रहे हो तो उसकी कहानी आगे बढ़ाना या फिर ट्रायोलॉजी बनाना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन कहानी को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है। लेकिन फिर भी हम लोग समझ सकते हैं, हालांकि KGF चैप्टर 2 बहुत ही अच्छी मूवी है, लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि अगर आप कहानी में एक नया वाला विलन लाओगे, हालांकि रमिका सेन है लेकिन वो विलन टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है अभी तक, लेकिन उस वाले मिड क्रेडिट सीन में रमिका सेन को ऐसी कुछ चीज़ें मिलती है कि जिससे पता चलता है कि उस जगह पे सोना तो नहीं मिला जिस जगह पे रॉकी डूबा था पानी में, लेकिन उसी के साथ उसने बहुत बड़े कांड किया है पहले पास्ट में,
कि वो CIA अमेरिका USA इस जगह पे जाके बहुत ही बड़े बड़े बुरे बुरे कांड कर चुका है, क्योंकि अमेरिका वाले लोग इस जगह पे आ चुके हैं CIA वाले, और उन्होंने अपने अमेरिका सेन को एक फाइल दी है जिसमें पूरी करतूत थे, और जो वॉचमैन था ना, मतलब वॉचमैन ने छा देने वाला, मतलब न्यूज़पेपर वॉचमैन नहीं पता नहीं क्या, लेकिन आपने KGF चैप्टर 1 में वो कहता है ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, वो कहानी सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा इमोशनल हो जाता है, वो बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और बाद में कहता है कि एंडिंग में अब वो पूरी तरह से इमोशनल होने के बाद वो ऐसे बैठा रहता है, लेकिन वो जब देखता है ना उस जगह पे, तो उस जगह पे एक और किताब थी जिस पे नाम रखा था KGF चैप्टर 3। तो ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होगी और बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होगी, क्योंकि कहानी आप इंडिया से बाहर निकल चुकी है और इसे कंप्लीट करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। पहले पता है हम लोगों को कि रॉकी भाई को क्या चाहिए, दुनिया। तो इस ट्रायलॉजी में अगर रॉकी भाई को दुनिया मिल जाती है तो उसका मनना बहुत ही सिंप्लिकेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसे ट्रायलॉजी में अपनी दुनिया पूरी तरह से मिल चुकी है, अब मरे या जगे किसको भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको नहीं लगता कि कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है ज़बरदस्ती, या कह लो या फिर फैंस डिमांड तो नहीं थी लेकिन ज़बरदस्ती शायद, लेकिन इस चीज़ को लेके वो बहुत ही अच्छा कांड कर सकते हैं इस कहानी को सलार से जोड़ना। मैं तो इसके टीजर को एक्सेप्ट कर रहा था पोस्ट क्रेडिट्स में, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन अगर आपके पास चांस हो तो आप अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी को सलार के साथ जुड़ा सकते हो, और हमें पता नहीं आगे जाके प्रभास वर्सेस रॉकी ये चीज़ हमें शायद देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एक्शन होगा ना वो फैंस के लिए बहुत ज़्यादा गजब लेवल का हो सकता है अगर प्रशांत नील चाहे तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ हो सकती है और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मूवी बनेगी अगर ये बनती है तो, क्योंकि पहले ये लोग सलार को एक सोलो मूवी देंगे, उसको एक ओरिजिन स्टोरी देंगे, बाद में KGF चैप्टर 2 को इससे कनेक्ट करेंगे सोलार के साथ, और बाद में इन दोनों का एक साथ आना और कुछ ना कुछ बड़ा वाला कांड करना। आप सोच के देखो कितना ज़्यादा बड़ा वाला कांड हो सकता है अगर ये लोग चाहे तो। लेकिन हमारा काम है सिर्फ थ्योरी बनाना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ छोटा मोटा एक्सपेक्ट कर सकते, अगर इनके पास मौका हो तो ये लोग बना सकते और ऑडियंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे तो अगले वाले चैप्टर को, इस वाले चैप्टर को तो बहुत ज़्यादा मज़ा और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी कारण अगर आगे वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छा वाला सपोर्ट मिलता है, यानी सलार को मिलता है सपोर्ट, तो ये लोग चाहे सलार में KGF को जोड़ सकते अगर इनकी मर्जी हो तो, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वाली बात हो सकती है, और तो और प्रभास का कमबैक भी हो जाएगा राधेश्याम। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, आपको क्या लगता है कि KGF चैप्टर 3 आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, उसकी कहानी कितनी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, और तो और सलार इसके साथ कनेक्शन जुड़वा सकती है या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये वाला तो सब्सक्राइब कर दो, पास वाला घंटा है ना उसे दबा दो, और शेयर करो, बस इतना ही कर दो, लाइक कर दो, बस बस खत्म खत्म। तो बस मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।